Hi everyone, welcome back once again to the channel and a very good evening to all of you. So the topic of today's video you must have seen on the thumbnail, what you will not get when you become an RBI Grade B officer. I personally do not appreciate such videos. Okay, I am very honestly saying this that I do not personally appreciate such videos because ye sare videos dekh ke kuch milna nahi hai unless ki aap RBI ke officer ban jao. Theek hai, so but a lot of students were asking this question again and again, these questions again and again. So I decided ki okay, let's make a video and jo students ke andar khujli ho rahi hai usko shant kar diya jaye. And actually it is required as well because as an aspirant is tarike ke sawal hamare dimag mein aate hi aate hain. It's completely natural. So sari khujli aaj shant ho jayegi aap logo ki, don't you worry. So I am going to tell you 10 things that you are not going to get if you will become an RBI Grade B officer. आपको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. What you will be getting when you will be selected as RBI Grade B officer, I have already made a salary video on that. I have also told you that what you will be doing once you become an RBI Grade B officer in the video Life of an RBI Officer. दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. You guys can watch those videos. Now today we are going to talk about such questions, such confusions among students that okay, what we are, whether we will get this thing or not. So aaj hum not wali baat karenge, right? So sabse pehli cheez that you will not be getting is the infinite power, the absolute power. Dekho ek cheez maine ek mentality notice kari hai among the students, unke dimag mein ye chal raha hai, they are just living in that topsy turvy land that once I become an RBI Grade B officer, उसके बाद तो स्वर्ग से अप्सराएं और मूरे उतर के आएंगी और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी सेट है. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड्स. नथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. यू नीड टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम. यू विल नॉट हैव एनी इनफाइनाइट पावर. यू हैव टू वर्क प्रॉपरली. यू हैव टू लिसन टू योर बॉसेस. यू हैव टू लिसन टू द ऑर्डर्स ऑफ योर मैनेजर्स. यू हैव टू डू एवरीथिंग जो कि एक कॉमन मैन को करना पड़ता है. आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज अ कॉमन मैन. यू विल नॉट हैव एन इनफिनाइट पावर. कुछ लोगों के दिमाग में फितूर है कि एक बार तो आरबीआई ऑफिसर बन गए तो देश के राजा हो गए. यू विल ऐसा मत सोचना कि जिंदगी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बस पढ़ते वक्त, उसके बाद स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. देखो अगर स्ट्रगल तुम्हारा नहीं हो रहा है आफ्टर बिकमिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट वर्किंग एफिशियंटली. बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एफिशियंटली, इफ यू विल वर्क एफिशियंटली while you in the RBI office, then definitely struggle will be there. तो ये मत सोचो कि struggle खत्म हो जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना. ऐसा मत सोचो कि भाई 3 बजे ऑफिस जाएंगे और 4 बजे चाय पी के निकल जाएंगे. इतनी नवाबी नहीं मिलेगी अभी स्टार्टिंग में, बाद में हो सकता है मिल जाए when you will be at the position of grade E or F पे जब पहुंचोगे तब शायद थोड़ी नवाबी आ जाए, अभी कुछ नहीं मिलने वाला. So you will not have an infinite power. Don't think like this Ganesh Gaitonde की कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है. ऐसा मत सोचो, ये फितूर निकालो अपने दिमाग से. पॉइंट नंबर टू, अच्छा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जस्ट टॉक्ड अबाउट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर. सम पीपल वर आस्किंग इवन दिस क्वेश्चन दैट कैन आई वर्क फ्रॉम होम व्हेन आई बी सिलेक्टेड एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. टुडेज वीडियो गाइस इज गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, आपको मजा आएगा आज की वीडियो में. ज्यादा टाइम नहीं, अगेन आई टेक योर 10 मिनट्स. वर्किंग फ्रॉम होम, कैन आई वर्क फ्रॉम होम, कैन आई गो टू आरबीआई ऑफिस, कैन आई गो टू ऑफिस लाइक एट 11 AM आराम से सो के उठे, 11 बजे ऑफिस पहुंचे, 1 घंटा काम किया, फिर लंच हो गया, फिर उसके बाद 2 घंटे का लंच हो गया, देन उसके बाद 1 घंटे चाय पी ली, फिर घर चले गए बैग उठा के. नहीं, नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. यू हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, वट एवर द टाइम भी. दिल्ली में 9 to 5 है, मुंबई में आई डोंट नो, 9 बजे जाना है और 5 बजे निकलना है. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि तुम कभी भी पहुंचो और कभी भी निकलो. एंड यस, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क. आरबीआई इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वेर यू हैव टू परफॉर्म, वेर यू हैव टू परफॉर्म. ऐसा नहीं है कि तुम दमाद बन के जा रहे हो आरबीआई के कि ठीक है दमाद या बहू व्हाटएवर, कि दमाद बन के जा रहे हैं हम कि भाई ठीक है अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पैर पे पैर धर के बैठेंगे और मजे करेंगे, चिल करेंगे. सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, दैट वॉज नंबर टू. वॉट इज पॉइंट नंबर थ्री? पॉइंट नंबर थ्री, अच्छा ये भी एक फितूर है कि भाई इतना पैसा मिलेगा. ठीक है, आई एग्री कि
RBI is giving a decent amount of salary with which you can live a very good life. Very good life. I would say a, you know, very, very good life. But इसका मतलब ये नहीं है दैट शाम को तुम्हें RBI एक बोरे में भर के पैसा देगा कि ये लो सर ये बोरी आपकी. Nothing like that. Don't think that RBI will at every evening that RBI is going to give a bag full of notes. Please sir or please ma'am, this belongs to you. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. कोई ह्यूज बोनसेस नहीं है. कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लाखों के पर्क्स मिल रहे हैं, लाखों के बोनसेस मिल रहे हैं. इफ यू वांट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी प्लीज गो टू द प्राइवेट सेक्टर वेयर यू कैन हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी. जितना मर्जी पैसा कमाना चाहो कमा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पोटेंशियल एंड योर हार्डवर्क. यस आई अग्री दैट आरबीआई इज गिविंग अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है बहुत अच्छा पैसा आरबीआई देता है. बट फिर भी कुछ अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन Ask me this question that क्या मैं RBI में रह के BMW खरीद पाऊंगा. This was the question that person asked me. So that's why I have taken this slide. ऐसा मत सोचो अब BMW खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे. How would I know? अगर तुम 1,00,000 रुपए जो तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे बचा दो खर्ची मत करो तो yes 70 महीने बाद या 100 महीने बाद अगर 1 करोड़ की आती है BMW तो आप ले पाओगे. Why not? Right? So that was number whatever it is 4 or 5. नेक्स्ट इज कार. विल यू गेट कार स्पॉन्सर्ड कार्ड बाय आरबीआई एंड अ ड्राइवर स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई? नो यू विल नॉट. सम पीपल आर इमेजिनिंग देमसेल्व्स एज संजय सिंघानिया वंस दे जॉइन द आरबीआई एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला. गेट आउट फ्रॉम दिस टॉपसी टर्वी लैंड ऑफ योर्स. यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ कार. यू विल नॉट गोइंग टू हैव अ ड्राइवर. और इतनी कम एज में ड्राइवर की क्या जरूरत है तुम्हें. बुड्ढे थोड़ी हो यार. ठीक है लेकिन एक बात है व्हेन यू विल बी ग्रेड डी व्हेन यू विल बी प्रमोटेड एज ग्रेड डी ऑफिसर व्हिच इज एट द लेवल ऑफ DGM यू विल गेट ड्राइवर अलाउंस. आपको ड्राइवर अलाउंस मिलेगा. ठीक है बट अभी कुछ नहीं मिलेगा. ग्रेड बी पे नहीं सी पे भी नहीं मिलेगा. तो जब व्हेन यू विल बी प्रमोटेड एज ग्रेड डी ऑफिसर यू विल बी गेटिंग द ड्राइवर अलाउंस from RBI. But right now you are not going to get any car or any driver allowance or any driver and in person from RBI. ठीक है ऐसा कुछ नहीं है. आपकी अपनी गाड़ी है तो गाड़ी से जाओ. स्कूटर है तो स्कूटर से जाओ. स्कूटी है तो स्कूटी से जाओ. हवाई जहाज है तो हवाई जहाज से जाओ. RBI is not going to give anything. Next, personal workplace. अच्छा ये भी है कि कुछ लोगों का ये है कि ऐसे बैठे रहेंगे जी पैर पे पैर चढ़ा के. कुछ नहीं होने वाला. कोई कैबिन नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का कि भाई साहब हम बैठे हैं पीछे 2 बोर्ड लगे हैं बढ़िया बाहर पिए खड़ा है बेल बजाएंगे चाय आएगी अंदर. ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. टुडे आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. हो सकता है इसके बाद कुछ लोगों के सपने चूर हो जाए बट रियालिटी पता होनी चाहिए ना. रियालिटी पता होनी चाहिए. यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर पर्सनल केबिन. पर्सनल केबिन आपको नहीं मिलने वाला. यू आर गोइंग टू वर्क अलॉन्ग विद एवरीबॉडी. Cubicles बने but RBI office is very beautiful. I have visited RBI Delhi office. Beautiful, beautiful office. Right. So आपको cabin की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और क्या जरूरत है cabin की भाई. अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगे cabin में. Right. कोई जरूरत ही नहीं है ना उस चीज की. ये जितनी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना इनकी कोई जरूरत नहीं है. क्या तुम्हें गाड़ी की जरूरत है. क्या तुम्हें इनफाइनाइट पावर की जरूरत है. क्या तुम इनफाइनाइट पावर के लिए RBI में गए हो. Of course not. Right. इन चीजों की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट. अच्छा ये भी है कि हाँ जी एक 2-3 पीछे लौंडे लेके घूमेंगे पीए होंगे सब कुछ होगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पर्सनल असिस्टेंट और एनी ऑफिस सेक्रेटरी विद यू. और जरूरत है क्या आपको. डू यू नीड दिस पर्सनल असिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ AI. AI इज योर पर्सनल सेक्रेटरी. AI इज योर पर्सनल असिस्टेंट. मेक यूज ऑफ AI टू एनहांस योर करियर और टू एनहांस योर वर्क प्रोफाइल और जो भी आप काम कर रहे हो. So do you really think that you need a personal assistant in this world of AI, in this world of technology? Of course not. I don't think so. I don't need a personal assistant because I am using artificial intelligence as my personal assistant. So you are not going to get this. Next. Gazetted officer. RBI grade B officer is not a grade B officer. Is not a gazetted officer. ठीक है ये बात अपने दिमाग में बिठा लो. Because gazetted officers are those whose names are listed in Gazette of India. But since RBI is an autonomous body, it has nothing to deal with the President of India or the Gazette of India.
सो द आरबीआई ऑफिसर्स आर नॉट द गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है जी, ये भी एक कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन आया था सर, वेदर एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर अ गैजेटेड ऑफिसर। नो यू आर नॉट, यू विल नॉट बी अ गैजेटेड ऑफिसर वंस अपॉइंटेड एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। ठीक है, तो आप गैजेटेड ऑफिसर भी नहीं हो। अगला, फॉरेन स्टडीज। अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फॉरेन स्टडीज। क्या हमें आरबीआई पैसा देगा फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए? आरबीआई ने, आरबीआई क्या तुम्हारे मम्मी पापा है? आर इज आरबीआई योर पेरेंट्स, जो कि पहले तो तुम्हें सैलरी भी देगा और तुम्हें फिर पढ़ने के लिए बाहर भी भेजेगा। वाई विल आरबीआई डू दिस? आरबीआई ने आपकी रिक्रूटमेंट जो करी है, वाई आरबीआई हैज रिक्रूटेड यू? टू गेट आरबीआई वर्क डन, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आरबीआई इज गिविंग यू सैलरी। दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। व्हाई वुड आरबीआई गिव, आरबीआई स्पॉन्सर योर फॉरेन स्टडीज? ठीक है, बट यस देर आर सर्टेन स्कॉलरशिप्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप विच इज स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई। एवरी ईयर अराउंड 8 to 10 आरबीआई ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड फॉर फॉरेन स्टडीज, बट दीज 8 to 10 ऑफिसर्स and these are selected by a committee, by the way, and of course yahan pe bhi jinki performance achhi hogi unko hi select kiya jayega, and remember here one thing the candidates which are selected here they have to sign a bond, unko ek bond sign karna padta hai that after completing these studies you will have to work with RBI for a certain period of certain number of years, all right? So basically aisa nahi hai that you will go to RBI that sir MBA करनी है स्टैनफर्ड से, क्यों कराएगा आरबीआई? Why will RBI do that? Right? So you are not going to get sponsored foreign studies from RBI. Foreign posting, RBI has no office in any of the country outside India. Yes, you might go for visits to other central banks in any other country for you know meetings. For you know knowledge exchange, इन सब के लिए जा सकते हो, but you will not have the foreign postings. There are various banks like SBI has various foreign offices. In that case, you might get posted as in the foreign country, but not in the case of RBI. RBI के केस में you will only be posted in the country, हमारा प्यारा भारत. और बाहर जाने की क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत है क्या बाहर जाने की? बहुत कुछ है हमारे देश में, ठीक है? And last but not the least, time bound promotion. अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ग्रेड भी बन गए 22 साल की 21 साल की उम्र में, रिटायर होते हो तो डेप्यूटी गवर्नर तो बन ही जाएंगे। नहीं हो सकता है ऐसा, बिकॉज इन आरबीआई द प्रमोशन, येस द प्रमोशन डिपेंड्स ऑन सीनियोरिटी, आई एग्री, बट देर इज ऑल्सो परफॉर्मेंस। द प्रमोशन इन आरबीआई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करे। तो ये मत सोचना कि भाई एक बार लग गए हम ग्रेड भी तो फिर हो ही जाएगा प्रमोशन, काम करें चाहे ना करें क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू परफॉर्म, राइट? यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। और वैसे भी क्या तुम वहां पर चिल करने जा रहे हो क्या? ऑफकोर्स नॉट। मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइफ ऑफ आरबीआई ऑफिसर, ठीक है, मैंने आपको एक कई बार अपनी वीडियो में बताया भी है That अगर आपको ये पता है दैट वॉट यू वॉन्ट टू डू इफ यू विल बिकम ऑफिसर देन नो बडी कैन स्टॉप यू इन बिकमिंग द ऑफिसर, सो दैट एटीट्यूड शुड बी अडॉप्टेड। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी चीजें मैंने यहां पर बताई है, whatever things, whatever stuff that I have just told you, the 10 stuffs, you do not need them. ठीक है, if you are dreaming of getting all these things, your dreams are not right, my dear friends. You need some medicines, not medicines actually, you need some you know enlightenment, right? So these are the things that you do not need. Do you need infinite power to do your work? Do you need a car to achieve your dreams, right? Do you need a personal assistance to do your work? Do you need foreign postings to achieve your dreams? Whatever dreams you have imagined or seen, When you decided that you want to become an RBI officer, have you ever thought that okay, if I will get a car, only then I will be an RBI grade B officer? Of course not. Have you ever thought that ki mereko
पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा, एक बड़ा बंगला मिलेगा, मैं तभी आरबीआई जाऊंगा। इज इफ इट इज सो, अगर ऐसा है कि आप इन चीजों की वजह से आरबीआई जाना चाह रहे हो, देन माय डियर फ्रेंड्स प्लीज ड्रॉप द आइडिया, प्लीज ड्रॉप द आइडिया बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव देयर। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल गाइस व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगले सवाल के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्टडीइंग हार्ड। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।